नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुलचे की रेसिपी, जिसे हम आटे से बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए जानते हैं आटा कुलचा कैसे बनाया जाता है। कुलचा बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में हम डालेंगे 2 कप आटा। इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी 1 टीस्पून, साथ ही हम डाल देंगे नमक थोड़ा सा डालेंगे हम बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून, दही डालेंगे 2 से 3 चम्मच, जो कि खट्टा और रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। साथ ही हम मोयन के लिए इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। आप इसमें घी या बटर कुछ भी डाल सकते हो। अच्छे से इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब गुनगुने पानी से इसे हम डो लगा करके तैयार कर लेंगे। डो हमें ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट, सेमी सॉफ्ट डो लगा करके हमें तैयार करना है, जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वैसा। अब थोड़ा सा ऊपर से ऑयल ग्रीस कर देंगे और इसे कवर करके हम घंटे भर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। करीबन 1 घंटे बाद हम डो को चेक कर रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से मसल लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी के डो को मसलते हैं कुछ उस तरह। अब इसके पेड़े हम बना करके तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े एक साथ ही बना करके तैयार करेंगे ताकि कुलचे बनाने में हमें आसानी हो। सारे पेड़े हमने बना लिए। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ धनिया पत्ती, आप चाहो तो कसूरी मेथी भी लगा सकते हो। साथ ही इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ सफ़ेद तिल, आप इसकी जगह कलौंजी भी लगा सकते हो। इसी तरह से हम सारे पेड़े के ऊपर लगा करके तैयार कर लेंगे। अब इसे हम बेल कर तैयार करेंगे। देखिए, मैंने सारे पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। अब सूखे आटे की मदद से इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे। जितनी पूड़ी की साइज होती है उतना ही हमें बेलना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, कुछ इस तरह का बेलकर हम तैयार करेंगे। मैं आपको पास से इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। इसी तरह से हम सारे कुलचे बेलकर तैयार कर लेंगे। मैंने सारे कुलचे बेलकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं हम इसे सेकने की तरफ। गैस ऑन करके तवा को मैंने गर्म कर लिया था। अब इसके ऊपर हम डालेंगे पानी, जिससे स्टीम में ही अच्छे से सिक जाए। इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट बाद इसके कवर हटाकर इसे पलट लेंगे हम। दूसरे साइड सेकने के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें डालेंगे पानी और इसको ढक देंगे। अगर आपको कुलचा थोड़ी देर बाद सर्व करना हो तो आप इसे इसी स्टेज पे रख सकते हो। मुझे इसे इमीडिएट सर्व करना है तो मैं अभी ही घी लगाकर इसे सेक कर तैयार करूँगी। आप घी या बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अवॉइड करें तेल को, तेल से इसका फ्लेवर का अच्छा नहीं आता है। मैं इसे दोनों साइड से पलट पलट के अच्छे से सेक लूँगी। ये पहला कुलचा मेरे सिक गया है। इसी तरह से मैं बाकी कुलचे की भी सेक कर तैयार कर लूँगी। मैंने सारे कुलचे सेक कर तैयार कर लिए हैं। आप पास से इसका टेक्सचर देख सकते हो। काफ़ी सॉफ्ट कुलचे बनकर हमारे तैयार हुए हैं। कोई नहीं कहेगा कि इसे हमने आटे से बना करके तैयार किए हैं। ये काफ़ी हेल्दी वर्जन है कुलचे का। मैंने इसे छोले के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो इसे मटर के छोले के साथ भी सर्व कर सकते हो, या पाव भाजी वाली सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हो। आशा करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर से शेयर करेंगे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।